गाइस गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे क्योंकि आप सब हो ही तैयार है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के दिन कुछ खास करते हैं। सो गाइस ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून से। आज है 25 तारीख और आज ही क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि देहरादून में क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे होता है। तो वैसे आज हम जाने वाले हैं एक शॉपिंग मॉल में। तो चलिए फटाफट रूम से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे अपनी मेन लोकेशन पे। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून की मशहूर सेंट्रल मॉल में। और जैसा ये बाहर से दिखता है उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। तो जैसा आपको पता हुआ कि आज क्रिसमस डे है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरा दोस्त राजन हम यहाँ पर आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि देहरादून में क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है। सो वीडियो में बनी रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ के बारे में जितना भी सुना था तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आज के दिन पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो बाहर से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने डेकोरेशन करा हुआ था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे और कुछ इनमें हमारे जैसे भी थे जिनको इन्जॉय के साथ साथ वीडियो भी बनानी थी। तो गाइस बाहर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलते हैं मॉल के अंदर और यहाँ पे सिक्योरिटी के द्वारा पहले चेकिंग होती है। और दोस्तों मॉल के अंदर एंटर करते ही यहाँ पे सेंटा जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो इसी के साथ अभी मॉल के अंदर का टूर करना भी ज़रूरी था। और इस सीढ़ी में जाने के बाद मतलब पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इनमें चलना नहीं पड़ता, बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ से आप मॉल का चारों ओर का व्यू देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ हम दोनों भाई सेकंड फ्लोर के लिए निकलते हुए, और फर्स्ट बार सीढ़ी में थोड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन दूसरी बार जाने में अब काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। सो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर के फ्लोर में और वहाँ पर बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उनको भी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को इन्जॉय कीजिए। तो गाइस ये देहरादून का बहुत ही लग्जरी मॉल है और यहाँ पे आपको अपनी डेली ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और फिर कपड़े से लेकर खाने पीने तक, और तो जिनको यहाँ पे गेम वगैरह पसंद है तो वो वहाँ पे गेमिंग का भी फील ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों रेस्टोरेंट की भी सुविधा है तो आप यहाँ पर लंच वगैरह भी कर सकते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिनेमा हॉल की भी सुविधा रहती है तो जिन लोगों को मूवी वगैरह देखना पसंद होता है तो वो यहाँ पर आराम से फील ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही प्यारे प्यारे गेम्स वगैरह हैं तो आप यहाँ आके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की लोकेशन है घंटाघर से राजपुर रोड पे आना है और वहाँ से 3 किलोमीटर आगे आने के बाद दिलाराम चौक पड़ता है और वहाँ से फिर लेफ्ट साइड की ओर गडकेंट वाली रोड पड़ती है और इसी रोड के आगे पर ये मॉल स्थित है। तो फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप वीडियो को फुल वॉच करना और उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको यह कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आपका क्रिसमस कैसा रहा और कैसा आपने इसको एंजॉय करा। और साथ ही दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी सुविधा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, खाने पीने की सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप लंच वगैरह आराम से कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। गाइस अभी हम पहुंच गए मॉल के टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा डेकोरेशन कराया हुआ है और यहाँ पर लोग फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं और कुछ रील्स वगैरह भी बनाते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो हमने भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई है तो वो आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से अभी आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हमारे ब्लॉग से रिलेटेड अपडेट्स वहीं पर मिलती रहेंगी। तो वह फाइनली हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट करा और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं अपनी बारी का। और अब आप यहाँ से देख सकते हो नीचे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बाकी तो क्या ही बताएं, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए, तो सच में यहाँ पे घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला, कब हमारे 2-3 घंटे निकल गए और अब यहाँ से वक्त हो चुका हमारा घर जाने का क्योंकि अभी टाइम भी हो ही चुका है। तो चलिए अभी ले चलते हैं आपको बाहर और बाहर का भी व्यू चेक कराते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बाकी तो आपने वीडियो देख ली होगी, एंजॉय कर लेगी।
तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें।